हाय दोस्तों, मैं हूँ संदीप और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे जो गूगल एडसेंस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म है उसको कैसे भरते हैं, फिलअप करते हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, ये फॉर्म आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन से किसी भी पीसी से भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। जिससे आप भरना चाहें उससे आप भर सकते हो। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल फ़ोन से भर के दिखाऊंगा किस तरीके से आपको ये फिलअप करना है पूरा फॉर्म। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और देखिए आप। तो दोस्तों, देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और यहाँ पर हमने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट ओपन कर लिया है, तो आप भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं जल्दी से आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। और उससे पहले मैं दोस्तों इसको डेस्कटॉप साइड पे कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे और मुझे बताने में भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जब डेस्कटॉप साइड पे कर लेंगे तो इसकी जो विंडो है वो पूरे लैपटॉप की जैसी खुलने लग जाएगी। तो दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको समझाने में। तो चलिए दोस्तों, मैंने डेस्कटॉप साइड कर लिया है और जल्दी से मैं फॉर्म फिलअप करके दिखाता हूँ, भर के दिखाता हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि देख सकते हो, और यहाँ पर ये पूरा मिल जाता है एक नोटिफिकेशन। जब जैसे ही आप गूगल एडिसेंस ओपन करोगे, इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर मैसेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करना होगा। देख सकते हो ये ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके जल्दी से आपको भर के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो देख सकते हो इस तरीके का पेज खुल के आएगा। अभी खुल रहा है दोस्तों, यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसलिए रीलोड हो रहा है। देख सकते हो इस तरीके का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो आपको क्लिक करना होगा ऐड टैक्स इन्फो। तो देख सकते हो दोस्तों, ये ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो जिस जीमेल आईडी से हमारा गूगल एडसेंस है वो ऊपर दिखने लग गई है जीमेल आईडी, और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। तो हमने अपना पासवर्ड है तो हमने अपना पासवर्ड लिख लिया है और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर दोस्तों लिख करके आ गया है। तो दोस्तों, इसने बता दिया है कि मेरा अकाउंट है संदीप कुमार नाम से है। तो दोस्तों, इस तरीके से ये पहले ही आपको जिस नाम से होगा बता देगा यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों अब दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इनके बारे में बताते हैं। ये दोस्तों दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक इंडिविजुअल एक नॉन इंडिविजुअल। तो दोस्तों, अगर आप बिजनेस में गूगल एडसेंस यूज करते हो तो नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए, और अगर आपका पर्सनल एक गूगल एडसेंस अकाउंट है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, बस उसके लिए मैं यूज करूँगा ये एडिसेंस, तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना होगा। अब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन नीचे खुल के आ चुका है, आर यू सिटीजन्स ऑफ, और यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि दोस्तों मैं इंडिया से नहीं हूँ। ये दोस्तों पूछ रहा है इंडिया के बाहर से हैं आप, तो मैं इंडिया का हूँ तो नो सेलेक्ट कर दिया, नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों का मतलब क्या है, जो ऊपर का ऑप्शन है और ये आपको बता रहा है कि अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो इसको सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो नीचे वाले को सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है गूगल एडिसेंस का, तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करके अब यहाँ पर स्टार्ट W8BEN कन्फर्म कर दूँगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अब दूसरा पेज खुल के आ चुका है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर दोस्तों नेम ऑफ इंडिविजुअल, इसने दोस्तों मेरा नाम पहले से ही ले लिया है। तो अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो यहाँ पर अपना बिजनेस का नाम भर सकते हो। और तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अब नीचे यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ तो उसको ऊपर वाले को खाली छोड़ दूँगा, और यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया सेलेक्ट करूँगा। इंडिया,
तो दोस्तों मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे दोस्तों देख सकते हो, तो दोस्तों ये नीचे ऑप्शन मिला है फ्रंट एंड का, ये दिखा दूं मैं आपको। फ्रंट एंड का ऑप्शन मिला है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा जिस नाम से आपका गूगल एडसेंस है। तो मेरा नाम संदीप कुमार है, संदीप कुमार मेरा ही पैन कार्ड मैं अपना डालूंगा, आप भी अपना ही पैन कार्ड डालें जिस नाम से मतलब गूगल एडसेंस आपका अकाउंट बना हुआ हो। तो मैं चलिए अपना पैन कार्ड नंबर लिख लेता हूँ जल्दी से यहाँ पर। तो दोस्तों हमने अपना पैन कार्ड नंबर लिख लिया है और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसको टिक कर देना होगा, इस बॉक्स को टिक कर दिया हमने, और यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना होगा। ध्यान रखें अपना एड्रेस वही भरें जो आपने गूगल एडसेंस बनाते समय अपना एड्रेस भरा था। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने पूरा एड्रेस भर लिया और नीचे यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करने के लिए मांग रहा है, यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश कर लूँगा। तो दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश कर लिया है और देख सकते हो दोस्तों अब दोस्तों वो हमने एड्रेस फिलअप कर लिया है और दोस्तों ये नीचे मिल रहा है पोस्टल एड्रेस इज सेम। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सेम कर देना है, और क्योंकि मैं दोस्तों जिस एड्रेस पर रहता हूँ वही मेरा परमानेंट एड्रेस है। अगर आप कहीं पर रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर नीचे आप अपना एड्रेस दूसरा लिख सकते हो। तो मैं सेम कर देता हूँ और सेम करने के बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से को ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको यस कर देना होगा। तो चलिए मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, तो मैं फिर से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इंडिया यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है देख सकते हो, और फिर नीचे की ओर जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे सर्विस पे क्लिक करना होगा, तो मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ। सर्विस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देख दोस्तों आर्टिकल 7 लिख करके आ गया, और यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर देना होगा। इस पर करने के बाद दोस्तों फिर इस पर फिर टिक कर देना है, फिर दोस्तों नीचे वाले पे क्लिक करना है, और फिर इस पर क्लिक करके दोस्तों 12% कर देना है आपको। यहाँ पर दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, आपको कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ पर दोस्तों पहले से ही आ जाता है। तो यहाँ पर 12% कर देना है और कोई ऑप्शन ही नहीं आएगा, बस 12% का यही ऑप्शन है, आर्टिकल 12 आएगा और कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बस यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। और फिर इस पर क्लिक करके 15% करना है, 30% नहीं करना है, फिर यहाँ ओके कर देना है। फिर उसके बाद में नीचे वाले को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर दोस्तों फिर आर्टिकल एंड यहाँ पर 12% कर देना है, यहाँ पर 15% कर देना है, फिर उसके बाद में यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। ये मैं टिक करने को भूल गया था इसलिए दोस्तों ये नहीं हो रहा, अब दोस्तों हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से देख सकते हो मेरा पूरा फॉर्म भर के रेडी हो चुका है, और यहाँ पर मैं आई एम कन्फर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर हमने जैसे ही नेक्स्ट किया तो उसके बाद में इस तरीके का पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना है अपना नाम जो आपके पैन कार्ड पे है। तो चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ जो मेरा नाम पैन कार्ड पे है। तो चलिए हमने जो हमारे पैन कार्ड पे मेरा नाम है वो हमने लिख लिया है, और अब चलिए मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर फिर दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको करना होगा नो, और यहाँ पर दोस्तों फिर नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, और यहाँ पर इस पर टिक कर लेना होगा। और उसके बाद में नीचे और दो ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों अगर आपका पेमेंट एक भी बार गूगल एडिसन से आया हुआ है तो नीचे वाला सेलेक्ट कीजिए, अगर नहीं आया हुआ है तो ऊपर वाला कर लीजिए। तो मेरा अभी गूगल एडिसन से कोई भी पेमेंट नहीं आया है, तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट करूँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट कर देना होगा। तो फाइनल दोस्तों देख सकते हो ये हमारा जो गूगल एडिसेंस टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म था ये कंप्लीट भर चुका है। इस तरीके से ये आपको भरना है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आराम से आप भर सकते हो इसके बाद दोस्तों जिस जीमेल से आपका गूगल एडिसेंस अकाउंट है उस गूगल एडिसेंस उस जीमेल पे आपको मेल भेज दिया जाएगा। बस दोस्तों इसी तरीके से आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से फॉर्म को फिलअप करना यानी कि भरना सीख गए हैं।
और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना, जो भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम हो रही हो। तो ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, अपना फीडबैक ज़रूर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।